हेलो गाइस, टुडे 6 सितंबर। हम लोग आज कोचिंग के लिए हम लोग रेडी हो गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो गए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कोचिंग के लिए। आज आप लोग का एक इंडियन कल्चर में एक पूजा होता है जो कि बनारस में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, जूतिया पूजा। आज उसमें भी मम्मी के साथ हम लोग जाएंगे, तो उसको भी कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाते रहेंगे कि हाँ वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। हम लोग तो रेडी हो गए थे, बस मधुराज भी आ ही रहता है, तो उसके साथ फिर वो हमें अर्थ पिक करने, फिर उसके साथ हम लोग कोचिंग के लिए आगे बढ़ जाएंगे। A few inches later. भाई वेट करने के बाद मधुराज भी आ गया, उसका हम लोग यहाँ अब मधुराज के साथ हम लोग निकलेंगे यहाँ पे। चलो के भी लेट हो गया भाई, चलो डेली मुँह उठा के आ जाता है। तो मैं सेलेक्ट कर देते हो कभी टाइम पे रहते हो। हाँ तो उससे क्या मतलब है, बैठो। हम लोग यहाँ से घर से निकल गए थे, मधुराज पीछे पेट्रोल भरवा रहा था। भाई हम लोग कोचिंग तो आ चुके हैं पीछे, इस बार आई कार्ड लाया तू? भाई लाया, मैं भी लाया हूँ भाई। परसों मैं आई कार्ड अपना भूल गया था, विदाउट भाई एप्लीकेशन बिना लिखे क्लास में एंट्री नहीं लेने दी भाई बंदे ने, जो कि जानता है मैं डेली भाई कोचिंग आ रहा हूँ, उसके बाद भी मतलब क्लास में एंट्री नहीं लेने दी उसने जब तक मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखा। भाई एप्लीकेशन लिखने भाई 5 मिनट में वेस्ट हो गया था, 5 मिनट का क्लास भी मेरा छूट गया था। खैर अब हम लोग आगे कोचिंग की क्लास के लिए अब आगे बढ़ते हैं। कोचिंग के अंदर का भी आपको दिखाएंगे जब हम लोग का क्लास वगैरह चलेगा, जब स्टार्ट होगा तो उससे आप लोगों को हम लोग क्लास दिखाएंगे। बड़ा एक्साइटेड लग रहा है भाई आज क्लास करने में, क्या बात है। क्लासेस तो हम लोग की ओवर हो गई थी यार, अब यहाँ पे मतलब कि 12 बज रहे थे, काफ़ी बहुत तेज़ धूप थे। 11 बजे तक हम लोग का नॉर्मली क्लास चल रहा था, मगर 1 घंटे का फिर हम लोग का एसटी था, स्पीड टेस्ट हो गया था, तो उसके बाद 1 घंटे और लेट हो गए थे। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब हम लोग को घर के साइड निकलना है, मगर उसके पहले हम लोग को फ्रूट्स वगैरह लेना था, मम्मी का पूजा था, तो फ्रूट्स लेके हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ देर हमें रेस्ट करने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद जाना है मम्मी के साथ, जाना था मुझे मंदिर। हमारे इंडियन कल्चर में ये मतलब कि काफ़ी पुराना ये फास्ट होता है, जूतिया जिसे बोलते हैं। हम लोग यार रात हो गए हैं, फ्रूट्स के दुकान पे आ गए थे, यहाँ से हम लोग फ्रूट लेके घर के साइड जाएंगे। भैया केला कैसे है? 60 रुपये दर्जन। और सेब 140 120 पाँच फल मेरे को मतलब कि आधा किलो दे दीजिएगा, जो मतलब कि आज की पूजा में मतलब कि चढ़ेगा पूरा। कीवी इस टाइम मत दीजिएगा भैया। भाई कोचिंग से हम लोग घर आ चुके हैं, हम लोग को घर आने में 1 बज गए, काफ़ी लेट हो गया था, और बीच में हम लोग को ट्रैफिक भी मिला और सामान भी कुछ कुछ लेना था। भाई फ्रूट्स के प्राइस यार इस टाइम, जैसे कोई भी आपका फेस्टिवल पड़े या फिर कोई भी इवेंट पड़े या फिर कोई भी मतलब कि जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आपको जाता हो जाता बल्क में, उस टाइम भाई फ्रूट्स के प्राइस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई हो जाते हैं। और नॉर्मल फ्रूट्स भाई अभी लिया सिर्फ 400 का। फिर 2 hours later. भाई हमने मॉर्निंग में बताया था कि हम लोग को जाना था अभी जूतिया के लिए, मतलब कि पूजा करने जाना था मम्मी के साथ, तो अभी हम पापा मम्मी तीनों लोग जा रहे थे, हम लोग सामान लेके सब लोग तीनों लोग जा रहे थे। अभी आप लोग को आगे भी दिखाएंगे कि हाँ वहाँ पर कैसे कैसे मंदिर में भी पूजा होता है। जैसे बहुत पहले से ही प्रथा चलता आ रहा है कि जब भी ये मतलब कि पूजा होता है मंदिर में, मम्मी के साथ उनके बच्चे भी जाते हैं, और आज मतलब कि इस्तीफाक से पापा भी ऑफिस से पहले ही आ गए थे, तो पापा भी हम लोग के साथ ही चल रहे हैं। मम्मी पूजा तो करके आ चुके हैं मंदिर में, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, हद से ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, मतलब कि जब तक मुझे लग रहा था कि हाँ वीडियो बना सकते तब तक मैंने बनाया, फिर ऐसा भीड़ हो गया था कि हाँ यार खड़े होने का भी जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मगर बहुत ज़्यादा भीड़ था। 5:30 हो रहा है, हम लोग यहाँ से घर तो जा रहे हैं, मगर फिर घर जाके तुरंत मुझे रेडी होना रनिंग करने के लिए, जाना यूपी कॉलेज। कल मैं काफ़ी दिन बाद गया था यूपी कॉलेज, आज फिर से जाएंगे, गैप नहीं देना है एकदम। A few inches later. मम्मी के साथ हम लोग मंदिर से आने के बाद हम लोग तुरंत मतलब कि ऊपर अपने घर पे गए, तुरंत कपड़े चेंज करके हम लोग ऐसे रनिंग के लिए आ गए थे। रनिंग से मैं घर के लिए तो निकल गया हूँ, अब यूपी कॉलेज साइड जा रहा हूँ, ऐसे अब डेली पर्पज़ में लगे मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, क्योंकि काफ़ी दिन बाद अब रिस्टार्ट कर रहा हूँ,
बीच में जब डेंगू हो गया था तो उस टाइम काफ़ी दिन का मेरा गैप हो गया था। यूपी कॉलेज के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे क्या पता नहीं क्या ऐसा चीज़ है कि आप गेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे इन्वायरमेंट एकदम ठंडा हो जाता है। वेदर मतलब कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं। एक तो मुझे 6 बज गए यहाँ पे, सिर्फ आने में ही 6 बज गए हैं। देखता हूँ आज पूरा रनिंग भी कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। मेरा आधी रनिंग पे कहीं वापस घर ना जाना पड़े क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आते थे तो कंटिन्यू 6 या 7 राउंड मार लेते थे बिना रुके। अब भाई 3.5 या 4 राउंड के ऊपर फिर जाने में मतलब कि काफ़ी तो थकान लगने लग रहा है। आप लोगों को ग्राउंड दिखाता हूँ, ग्राउंड भी बड़ा है यहाँ पे। 800 मीटर का मतलब कि एक ग्राउंड रहता है यहाँ पे। ये यूपी कॉलेज का हम लोग का ग्राउंड है, काफ़ी मतलब कि पुराना ग्राउंड है। हम लोग जब भी छोटे थे बहुत छोटे से मतलब कि यहाँ पे आ रहे क्रिकेट खेलने आते थे। भाई मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है इस टाइम, मतलब कि बादल आ रहा है, ठंडे ठंडे बहुत हवा चल रहा है, काफ़ी मतलब कि ठंडा हवा चल रहा है। लगभग यहाँ से लग रहा है कि 12-13 किलोमीटर के रेंज में कहीं पे तो बारिश हो रही है, उधर ही से हवा आ रहा है, काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे सब मतलब कि सारे बच्चे यहाँ पे हॉकी खेलते हैं। और इस तरफ मतलब कि जो है आपका बास्केटबॉल पोस्ट है और उधर भी मतलब कि फुटबॉल का देखो आप, एक फुटबॉल का एकदम यहाँ पे एक है और एक इधर मतलब कि वो है, और ये वाला आपका हॉकी का है और देन ये वाला भी आपका हॉकी का है। यहाँ पे मतलब कि टूर्नामेंट्स वगैरह भी मतलब क्रिकेट के होते रहते हैं। चलो तो गाइज यहाँ से निकलते हैं, 6:30 बज गया था, हमारा रनिंग भी कंप्लीट हो गया था, बाकी जो भी हमारा कार्डियो वगैरह था हमने अपने ग्राउंड में ही मार लिया था, इधर यूपी कॉलेज में पीछे ही मार लिया था। चलो तो 6:30 बज गए, यहाँ से निकलते हैं। भाई हम लोग घर आ चुके हैं, 8:30 बज रहे हैं। आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज आप लोग अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर करना अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ब्लॉग की तो। थैंक यू।